नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, अपनी पॉलिटी सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे एंड हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 352 यानी कि प्रोविजंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और ये लेक्चर दो पार्ट्स में रहेगा इनफैक्ट। और इस लेक्चर में हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में पार्ट वन में हम लोग जानेंगे कि आपातकाल लगाने के, राष्ट्रीय आपातकाल के, नेशनल इमरजेंसी के क्या प्रोविजंस है, कैसे लगाया जाता है, कितने टाइप्स के हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जरा बात कर लेते हैं एम्फीबियन नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो फेडरलिज्म है, कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का, ये इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। और मैं शुरुआती लेक्चरों में ही आपको बता चुका हूं कि जो फेडरलिज्म है, इसको किसी भी देश की सरकार, अगर फेडरल सरकार है या नहीं, या फेडरलिज्म को फॉलो करती है या नहीं करती, उसके लिए कंपैरिजन करना होता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्योंकि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान, सबसे पुराना फेडरल संविधान माना जाता है। इसीलिए वहां से पांच अलग अलग फीचर्स थे फेडरलिज्म के जिनको हम लोग देखते हैं। पहला है डुअल गवर्नमेंट, दूसरा है आपका पावर शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ पावर, उसके अलावा आता है आपका जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, है ना। और इसी तरीके से करते करते आपके पांच फीचर्स थे। तो हमें उन पांच फीचर्स के बारे में बात नहीं करना, हमें बात करना है सिर्फ और सिर्फ दो फीचर्स के बारे में, जो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आपके जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करती है। तो ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं शेयरिंग ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन एक तरीके से करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। इवन जैसे अगर देखा जाए तो जो मॉडल फॉलो करते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो सेंट्रल लेवल पे है, यूनियन लेवल पे है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, और जो ग्राम पंचायत म्यूनिसिपल लेवल है वहां पे भी इसी स्ट्रक्चर से हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी फॉलो। बहरहाल, जब भी सिचुएशंस नॉर्मल है तो भारतीय संविधान एकदम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म लेके रहता है। इट इज फेडरल इन नेचर, तो उसका नेचर एकदम फेडरल रहता है। ड्यूअल गवर्नमेंट रहती है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस दी जाती है। सो इस तरीके का ये फेडरल नेचर शो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशंस हो जाए, जब कंडीशंस आपकी सही ना हो, प्रतिकूल हो, है ना, अनुकूल ना हो के प्रतिकूल हो, तो उस समय जो भारतीय संविधान है वो एम्फीबियन नेचर पकड़ लेता है। एम्फीबियन का मतलब है कि अपना कलर चेंज कर लेता है, या फिर हम यूं बोले कि ये जैसे एम्फीबियन जीव वो होते हैं उभयचारी, जो कि पानी में भी रह सकते हैं और थल में भी, जल पे भी, जल में भी थल पे भी, सॉरी, दोनों जगह रह सकते हैं, तो वही एम्फीबियन होते हैं। तो वैसा ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी नेचर फेडरल नेचर हो जाता है, एम्फीबियन नेचर हो जाता है, जब कोई भी आपका कंडीशंस एबनॉर्मल हो जाए तो वो फिर फेडरल से तुरंत इन कंडीशंस में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में बदल जाता है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अनरिटन, अनरिटन मतलब कोडिफाइड नहीं है, ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं होगी, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। सो इस तरीके से ये फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ के यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ लेता है। अब ये जो जो एस्पेक्ट है, ये हमारे जो संविधान के रचयिता मान सकते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं भारतीय संविधान के, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उन्होंने भी कहा कि हमारा जो संविधान है वो रिजिडली फेडरल नहीं है। कहने का मतलब रिजिड तरीके से उसको फेडरल कहना सही नहीं होगा। इट इज नॉट रिजिडली फेडरल इन नेचर, है ना। ये यूएसए या ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिड नहीं है, एकदम रिजिडली फेडरल कहना इसको सही नहीं होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फीबियन है, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर लेता है जब कंडीशंस एबनॉर्मल होंगी। नॉर्मल कंडीशंस में इट विल डेफिनेटली एक्ट एज आपका एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब भी ये रिजिडली फेडरल नहीं है, इसका मतलब है कि जब भी एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी, एबनॉर्मल कंडीशंस कौन सी, जैसे वॉर
की कंडीशंस हो गई, एक्सटर्नल एग्रेशन है। अभी जैसे चाइना है, चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिवली अपना डोमिनेंस एग्जर्ट कर रहा है नियर द एलएसी एरिया, बॉर्डर एरियाज, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जो है वहां पे वो बहुत ज्यादा अपना डोमिनेंस एग्जर्ट। तो ये एक्सटर्नल एग्रेशन में आया, या फिर इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन हुआ, नेक्सलाइट मूवमेंट है उसने जोर पकड़ लिया और एक क्षेत्र में वो एकदम मतलब आर्म्ड रेबेलियन के थ्रू पावर कैप्चर करने के एकदम कगार पे चल चुके। तो ये डिस्टर्बेंसेस है और ये एबनॉर्मल कंडीशंस है। कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी समाज ऐसे हम यूं कहें कि वायलेंस भरे, हिंसा भरे परिस्थितियों में कभी भी विकास नहीं कर सकता। और ये परिस्थितियां कभी भी नॉर्मल परिस्थितियां या हम यूं कहें कि अनुकूल परिस्थितियां नहीं कहलाएंगी, हमेशा प्रतिकूल ही रहेंगी, स्पेशली विकास के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति। सो इन एबनॉर्मल कंडीशंस में, बिकॉज वहां से जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से निकाल फेंकना है, इसीलिए यूनिटरी या सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत होती है। दैट इज वाई यूनिटरी फॉर्म ले लेता है। तो ये खासियत है हमारे भारतीय संविधान की। और जरूरत क्यों मान पड़ी इसकी? ऐसा इसीलिए ताकि भारत की यूनिटी, भारत की इंटेग्रिटी और भारत की सिक्योरिटी पे कोई आंच ना आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, ये एबनॉर्मल कंडीशंस कौन सी हैं? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन। तो इन, ये जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो सिक्योरिटी का थ्रेट रहेगा, यूनिटी एकता की का खंडन हो सकता है। तो भारत को अखंड बनाए रखने के लिए, उसकी अखंडता को, प्रभुता को, संप्रभुता को एकदम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उस समय अपना वो नेचर चेंज कर ले और अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज करके फेडरल से वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर चले जाए। सो दिस इज व्हाट डिफाइंड एज एम्फीबियन नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? अच्छा, तो अब जरा हम लोग देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी ये है क्या। तो जो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है, वो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 352 में गिवन है। और वो है कि इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, तो प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड का मतलब है, हम ये पहले भी देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट का खुद का पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं, ऑन द रिटन, इस बार रिटन, नॉर्मल कंडीशंस में एड एंड एडवाइस से चल जाएगा, इस बार रिटन एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं, तो वो कैबिनेट के रिटन एड एंड एडवाइस रिटन में देना होगा। ये चीज अगर इमरजेंसी लागू करनी है तो रिटन में देना होगा, है ना? सेटिस्फाइड दैट पूरा का पूरा देश, पूरे के पूरे देश भर में समस्या है, मान लीजिए एंटायर नेशन और ए स्टेट या किसी एक राज्य में ऐसा खतरा है और ए पार्ट ऑफ अ स्टेट, ठीक है? तो प्रॉब्लम किसी एक छोटे से पार्ट में है ना, इज अंडर ग्रेव थ्रेट, थ्रेट है वहां पे, एक 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 वहां पे मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, थ्रेट अगर वहां पे इंपोज हुआ है, अंडर किस वजह से, किस बिहाफ पे एक थ्रेट हो सकता है? एक्ट ऑफ वॉर, या फिर हम बोलें कि एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, जिसका मैं एग्जाम्पल बता चुका आपको, चाइना करता है एंड इन्फिल्ट्रेशन करने की बहुत ज्यादा बार ये पाकिस्तानी भी कोशिश करते हैं, तो एक्सटर्नल एग्रेशन में काउंट होगा। या फिर हम यू बात करें कि आर्म्ड रेबेलियन, नेक्सलाइट मूवमेंट, उसका एक एग्जाम्पल है। तो अगर इन वजहों से, इन कारणों वश अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं, रिटन फॉर्म में ये दिया जाता है कैबिनेट द्वारा, तो अगर ये रिटन फॉर्म में प्रेसिडेंट को मिलता है और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि पूरा का पूरा देश या एक स्टेट या फिर एक स्टेट का कोई भी रीजन एक थ्रेट उसके ऊपर इम्पोज्ड है, उसके ऊपर एक अंडरलाइंग थ्रेट है, डेंजर है, किन कंडीशंस में? वॉर की कंडीशंस में, एक्सटर्नल एग्रेशन की कंडीशंस में, आर्म्ड रिबेलियन के कंडीशन में, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेम कर सकते हैं, कैन प्रोक्लेम
द स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, द स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी वो लागू कर सकते हैं अंडर कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 352, 352वां अनुच्छेद, इसके अनुसार वो नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, एनर्जी लिखा गया इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इससे टेक अवे पॉइंट क्या है कि कैबिनेट को नॉर्मल कंडीशंस में जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एड एंड एडवाइस करते हैं, बट इस केस में उन्हें रिटन फॉर्म में लिखना होगा, रिटन फॉर्म में देना होगा। और इसी इमरजेंसी को दो टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी किन कारणों से, वॉर की वजह से या फिर एक्ट ऑफ एग्रेशन की वजह से, तो इन वजह से अगर बाहरी अग्रेशन है या वॉर है तो वॉर जो है वो इंटरनल नहीं होगी, बाहरी तत्वों से है, बाहरी देशों से है। चाइना से कल को वॉर छिड़ जाए, मान लीजिए कल को पाकिस्तान से छिड़ जाए, है ना, तो वो वॉर लाइक सिचुएशन है, तो बाहर के एग्रेशन की वजह से, बाहर के फैक्टर्स की वजह से, तो इसीलिए उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहेंगे। एंड इंटरनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन की वजह से हो सकती है, सो ये इंटरनल इमरजेंसी कहलाएगी, जो कि आपकी आर्म्ड रिबेलियन के कारण, आर्म्ड रिबेलियन की वजह से अगर होती है या लागू हो करी जाती है तो। राइट, सो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल। और देखिए इसमें यह भी है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो सिर्फ वॉर होने के बाद नहीं, एंटीसिपेशन ऑफ वॉर में भी लगाया जा सकता है, एंटीसिपेशन ऑफ एक्ट ऑफ एग्रेशन में भी लगाया जा सकता है, एंटीसिपेशन ऑफ आर्म रिबेलियन में भी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल नेक्सलाइट्स हैं, वो खबर आती है, पता चलता है ऐसा सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस के, इंटेलिजेंस सोर्सेस के अकॉर्डिंग कि एक आर्म्ड रिबेलियन होने वाला है किसी एक्स वाई जेड रीजन में, तो एंटीसिपेशन है, हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो रिबेलियन हो जाए और कुछ लोगों की किलिंग्स हो जाए, सिविलियन किलिंग्स हो जाए, तब तक हम वेट नहीं कर सकते, इसीलिए एंटीसिपेशन में भी लगाया जा सकता है। वैसे ही चाइना डोमिनेंस एक्सर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस से हमें पता चलता है कि ये कुछ दिनों बाद अब वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देंगे। राइट, सो एंटीसिपेशन में भी ऐसा किया जा सकता है, एंटीसिपेशन ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आज मान लीजिए कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन दिखाया बॉर्डर के अलावा, उस एक्सटर्नल एग्रेशन के चलते क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई। अब एक्सटर्नल वहां से वो फैक्टर खत्म हुआ, लेकिन एक और प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो गई कि लोकल्स को मैनिपुलेट करके, प्रोपेगेंडा चला के, न्यूज चला के, उन्होंने मान लीजिए लोकल्स को अपने फेवर में किया, तो लोकल्स भी आर्म्ड रिबेलियन पे आ गए। तो अब जो है प्रेसिडेंट, वो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी ओरिजिनली इम्पोज की थी, ओरिजिनली प्रोक्लेम की थी, किस वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, लेकिन अब इंटरनल आर्म रिबेलियन भी हो रहा है उस क्षेत्र के लोग, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वैसे भारत देश के निवासी जो है वो कभी भी किसी की बातों में मैनिपुलेट नहीं होते, बट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो हम देखें, तो अगर ऐसा होता है तो फिर नेशनल इमरजेंसी का कारण चेंज भी किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम तो करते ही है, उसके अलावा वो उस रीजन को चेंज भी कर सकते हैं, वो ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लागू हुई है उसको बदल भी सकते हैं, पलट भी सकते हैं। तो ये है नेशनल इमरजेंसी, राइट, आर्टिकल 352। अब देखिए प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया नेशनल इमरजेंसी, मान लीजिए अब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया, ये है डे वन। अब इस डे वन से लेके डे 30 तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी। अगर इसे अप्रूव करना है या एक्सटेंड करना है, अगर इसे एक्सटेंड करना है तो फिर क्या होगा, इसे राज्यसभा और लोकसभा विद इन 30 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास कराना होगा। और स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी, स्पेशल मेजॉरिटी में भी इसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके अलावा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तब जाके
ये एक्सटेंड हो पाएगा। कहने का मतलब वापस सुनिए, प्रेसिडेंट ने मान लीजिए आज नेशनल इमरजेंसी इंपोज की, तो आज से लेके 30 दिन तक एक सिटिंग होगी, एक सेशन होगा, उस पार्लियामेंट्री सेशन में वोटिंग होगी, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। अगर दोनों ही हाउसेस, प्लस का साइन है बीच में, इसका मतलब है दोनों ही हाउसेस स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इस फ्लेवर ऑफ स्पेशल मेजोरिटी से अगर दोनों ही हाउसेस पास करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, और प्रोलॉन्ग का ड्यूरेशन भी है, कैन बी प्रोलॉन्ग फॉर 6 months। तो इसको फिर 6 months तक के लिए प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन ये तभी जब राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में ही इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया जाए। इफ इट इज पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, देन ओनली इसे प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर मान लीजिए राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में नहीं होता स्पेशल मेजोरिटी से, तो फिर ये आपका प्रोलॉन्ग नहीं हो पाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर राज्यसभा में नहीं हुआ, लोकसभा में हो गया सिर्फ, तो भी प्रोलॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो 6 months के लिए प्रोलॉन्ग अगर करना है तो फिर ये स्पेशल सेटिंग होगी। अब मान लीजिए कि 6 महीने भी चले गए, 6 महीने बीत गए, फिर भी वो सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई, एबनॉर्मल कंडीशन जिसे कह रहे हैं, फिर से क्या किया जाएगा? लोकसभा एंड राज्यसभा की सिटिंग बुलाई जाएगी, और इसमें अगर विद इन 6 months अगर और आगे बढ़ाना है तो फिर यहां पे भी स्पेशल मेजॉरिटी और वही सेम फ्लेवर, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अगर ये वापस से ले आए तो फिर 6 months के लिए प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं पीरियोडिक पार्लियामेंट्री कंट्रोल। देखिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्यों? क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है, और उसके अलावा पार्लियामेंट कंट्रोल कर रहा है नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन को। सो ये पीरियोडिक पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, इसमें एन नंबर ऑफ टाइम्स चला जा सकता है, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, जब तक सिचुएशन सॉल्व नहीं होती। अब वॉर के बारे में कोई कह थोड़ी सकता है कि 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, सो दैट इज वाई ये कंटिन्यू रह सकती है, पर बशर्ते हर 6 महीने पे इसका रिव्यू होगा, पार्लियामेंट्री कंट्रोल चलेगा, और लोकसभा एंड राज्यसभा में अगर इसे एक्सटेंड करना है तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली स्पेशल मेजोरिटी अगर इससे पास होता है तो ही हो पाएगा, क्योंकि हमें कारण का कोई ड्यूरेशन नहीं पता कि वॉर इतने समय तक ही चलेगी, कोई नहीं कह सकता, ठीक है, राइट। अब देखिए इसके अलावा एक और प्रोविजन है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए प्रोक्लेमेशन हुआ नेशनल इमरजेंसी का और 30 दिन चल रहे हैं, 30 दिन है। अब इस 30 दिनों में ड्यूरिंग 30 डेज लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई है ना, 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ, या गवर्नमेंट ने अपना जो है मेजोरिटी लूज कर दिया ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो फिर क्या किया जाएगा? राज्यसभा का अप्रूवल लिया जाएगा, राज्यसभा का अप्रूवल। अगर राज्यसभा ने वही स्पेशल मेजोरिटी के साथ अप्रूव कर दिया तब फिर ये क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अगर नहीं किया तब तो ऑब्वियसली 30 दिन ही चल पाएगी, लेकिन नेशनल इमरजेंसी नेक्स्ट 6 months के लिए सिर्फ राज्यसभा के अप्रूवल से इन्वोक हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा तो है ही नहीं, डिसॉल्व हो गई, राइट। लेकिन अगर उसी पीरियड में एंड विद इन दैट पीरियड, अगर उसी 6 months के पीरियड में लोकसभा कन्वीन होती है, लोकसभा रीस्टार्ट होती है, रिज्यूम होती है, लोकसभा अगर रिज्यूम की गई, कन्वीन की गई, रीस्टार्ट की गई है ना, तो फिर उसके कन्वीन होने के 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, मतलब समझिए नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई, 30 दिन के अंदर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी थी, राज्यसभा बची है, आपने राज्यसभा में अप्रूवल ले लिया स्पेशल मेजोरिटी के साथ, 6 महीने का प्रोलोंगेशन हो चुका। लेकिन अब मान लीजिए लोकसभा उन्हीं 6 महीने से किसी एक ड्यूरेशन में, मान लीजिए 1 महीना बीता, लोकसभा कन्वीन हो गई, तो लोकसभा कन्वीन होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको यहां भी स्पेशल मेजोरिटी से क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी से इसको प्रोलोंग करवाना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर वो रिवोक हो जाएगी, फिर वो नेशनल इमरजेंसी नहीं चलेगी, राइट।
सो ये प्रोविजंस है नेशनल इमरजेंसी के, आई होप आपको समझ में आए। अब ये था इनवोकिंग का, अब हम देखेंगे रिवोकिंग नेशनल इमरजेंसी। अभी हमने क्या देखा था? इनवोकिंग, यहां ध्यान दीजिए, इनवोकिंग। अब हम क्या देखेंगे? रिवोकिंग नेशनल इमरजेंसी। तो अब अगर इसको रिवोक करना है तो देखिए, किसी भी समय, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय में जो प्रेसिडेंट हैं, देखिए प्रेसिडेंट इनवोक करते हैं तो प्रेसिडेंट रिवोक भी कर सकते हैं, कैन रिवोक द नेशनल इमरजेंसी। लेकिन प्रेसिडेंट क्या खुद से करते हैं? नहीं। तो रिवोक भी क्या खुद से करेंगे? नहीं। ऑन द रिटन एड एंड एडवाइस दिया था इनवोक करते वक्त, तो रिवोक करते वक्त भी क्या करना पड़ेगा? रिटर्न एड एंड एडवाइस ही लेना पड़ेगा ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट का रिटर्न, राइट। दूसरा तरीका है, या तो देखिए नेशनल इमरजेंसी, लोकसभा राज्यसभा, अगर इसमें पास हो गई, तो इनवोक्ड है। अगर मान लीजिए इसमें पास नहीं हुई, इसमें हो गई, तो रिवोक्ड है, तब तो नहीं है। दोनों में होना पड़ेगा ना, इसमें हो गई, इसमें नहीं हुई तो भी रिवोक्ड है, राइट। तो एक तो ये प्रोविजन है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है? एक स्पेशल पावर गिवन है लोकसभा को अंडर आर्टिकल 352 क्लॉज 8। अब ये क्या कहता है? पॉइंट नंबर 8 352 आर्टिकल का कहता है कि जब लोकसभा सेशन में है और इस दौरान 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर्स राइट टू स्पीकर, और जब लोकसभा सेशन में नहीं है, तो लोकसभा अगर सेशन, हो सकता है ना यार कि लोकसभा सेशन में हो ना हो इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, अगर सेशन में नहीं है तो इतना ही नंबर 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर्स, ये किसको लिखेंगे लेटर? राइट टू प्रेसिडेंट। अब किसको लिखेंगे? प्रेसिडेंट को। पहले किसको लिख रहे थे? स्पीकर को, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर, जब सेशन में है तब, तो जब नहीं है तो प्रेसिडेंट को लिखेंगे। और क्या कहने के लिए? कि आप सेशन कन्वीन कीजिए, कन्वीन ए स्पेशल सेशन, ये स्पेशल सेशन होगा, ठीक है, ये स्पेशल सेशन होगा लोकसभा का। किस लिए? ताकि हमको यार अब नहीं जीना, इसमें रिवोक करना है, रिवोक द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब जैसे ही ये लेटर पहुंचा, यानी कि 543 है तो 55 ऑलमोस्ट इनको भेजना होगा, तो इस लेटर के पहुंचने के 14 दिन के अंदर अंदर, within 14 days, ये सेशन कन्वीन होगा, स्पेशल सेशन कन्वीन होगा। और अगर इसमें जो लोकसभा मेंबर्स हैं एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, किसके लिए? टू रिवोक, हटाने के लिए नेशनल इमरजेंसी को, है ना, एंड उस पर वोटिंग होगी, एंड बाय सिंपल मेजोरिटी उसको पास करा लेते हैं, तो फिर नेशनल इमरजेंसी स्टैंड्स रिवोक्ड, तो नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। वापस सुनिए, इनवोकिंग का प्रोसीजर हमने देखा, रिवोकिंग का क्या है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिटर्न एड एंड एडवाइस पे कैबिनेट की, प्रेसिडेंट इसको रिवोक कर सकते हैं। अब दोनों हाउसेस में इनवोक हो, दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, तभी इनवोक रहेगा। अगर एक में भी नहीं पास हुआ तो रिवोक रहेगा। स्पेशल पावर सिर्फ लोकसभा को है अंडर आर्टिकल 352(8). अगर लोकसभा सेशन में है, अगर नहीं है, दो सिचुएशंस है, अगर है तो फिर स्पीकर को लेटर लिखेंगे, अगर नहीं है तो प्रेसिडेंट को लेटर लिखेंगे। क्या? कितने? 1/10 लोकसभा मेंबर्स। किस लिए? कि साहब आप एक स्पेशल सेशन कन्वीन कीजिए, उसमें जब ये लेटर पहुंचा तो 14 दिन के अंदर अंदर वो स्पेशल सेशन कन्वीन कराना होगा, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा लोकसभा मेंबर्स द्वारा, और वो रेजोल्यूशन अगर सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से, तो जो नेशनल इमरजेंसी है उसे रिवोक कर दिया जाएगा, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को हटा दिया जाएगा। सो ये फीचर्स थे नेशनल इमरजेंसी के, और ये प्रोविजंस थे आर्टिकल 352 के, कि कैसे इनवोक एंड कैसे रिवोक की जा सकती है नेशनल इमरजेंसी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, यही हमारा मोटिवेशन है। एंड
बहुत जल्दी हम लोग पॉलिटी सीरीज खत्म करेंगे एंड दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे। मीनवाइल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स एंड क्विजेज आप तक पहुंच ही रहे हैं। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।